सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैक्स इंडियन ब्रीड। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हो, मतलब मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेरे दोस्त के बारे में। मतलब उसने पपी पाला था, तो जैसे आपने पहले वीडियो में देखा था सेंट बर्नार्ड मैक्स का फोटो और रॉटवीलर था उसमें, फिर बाद में और लास्ट में मैंने वो पपी का फोटो दिखाया था, फीमेल थी वो। तो यार दोस्तों, इतना मस्त पपी है ना, वो इतना एक्टिव है ना, और थोड़ा मतलब बहुत बहुत क्यूट है यार वो पप्पी। दोस्तों आपको अगर एडॉप्शन के लिए चाहिए होगा तो ऐसे तीन फीमेल्स है पहाड़ के इधर, मतलब हमारे बगल के स्कूल, हमारे स्कूल के बगल में पहाड़ है छोटा सा विलेज टाइप, तो उधर तीन पपीज है। उनकी मदर नहीं है, उनकी मदर उधर नहीं रहती, उनकी मदर किधर पता नहीं किधर चली गई है। और हमारे बिल्डिंग के इधर भी तीन पपीज हो गए, वो भी फीमेल्स है, थ्री, तीनों के तीनों फीमेल्स है। उधर के भी पहाड़ वाले डॉग्स के पपी भी तीनों फीमेल है। तो मेरे दोस्त ने संभाला था, एक पपी को लिया था, वो बहुत क्यूट थी, उसका नाम पिनी रखा था। तो यार बहुत क्यूट थी वो पपी, पर मेरे दोस्त ने एक्चुअली क्या किया, दो दिन संभाला, उसे छोड़ दिया। मैंने बोला था कि तू छोड़ेगा नहीं ना, तो वो बोला नहीं, पापा बोले स्ट्रीट डॉग क्यों लाया, तो भीड़ वाला डॉग लाता, तो ऐसा वो बोल रहा था मुझे। पर यार उसने वो छोड़ा ना, मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो पपी दो दिन मैक्स के साथ अच्छे से खेल रहा था, नीचे लाया था अभी, मतलब बहुत अच्छा पपी पपीज है वो, तीनों के तीनों फीमेल्स है। एक का मुँह ब्लैक है आधा, बाकी पूरा ब्राउन है, तीनों के तीनों ब्राउन है। पपी थोड़ा वाइट है सर के बीच, बाकी पूरे ब्राउन है। यार दोस्तों बहुत क्यूट है पपीज, और आपको मेरे बिल्डिंग के इधर के भी मैं कभी दिखाऊंगा अगर टाइम मिला तो, और पहाड़ी के इधर के भी, फिर मैं आप वीडियो अपलोड कर दूंगा वो। और अगर किसी को एडॉप्शन के लिए चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना, कमेंट्स में बताना अगर पपी आपको वीडियो चाहिए होगा पपी का, वो पपीज़ का वीडियो चाहिएगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। और दोस्तों बहुत जन मुझे बोलते हैं कि यार फ़ोन कर, मतलब वो स्कूल में जो मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो मुझे बोलते हैं यार कि वीडियो की क्लियरिटी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो की क्लियरिटी अच्छी नहीं ज़्यादा, सो कुछ कर नहीं सकता है, मेरा फ़ोन ही वैसा है, मतलब 240p कुछ दिखाता है वो वीडियो का क्वालिटी। दोस्तों मुझे ये बताना था कि पपी को यार छोड़ो मत, संभालना तो संभालो, ऐसा छोड़ दिया मत करो, क्योंकि यार उसमें भी जान है, वो भी फिर अटैच हो जाता है, इतने जल्दी भी नहीं, मतलब चार या फिर दो वीक्स के बाद यार अटैचमेंट हो जाता है पपी का और एक ओनर का, एक भाई जैसा, तो वैसा ही इसका मैक्स का है। कैसे बेड के ऊपर सोया है, लेटा है, बहुत अच्छे से सोया है वो, तो उसका सोने का प्लेस इधर है और खाने का इधर, उसको थोड़ा हाइट पे देता हूँ क्योंकि हाइट बड़े उसका, और ना कि मतलब ऐसा झुक के ना खाए, आराम से खाए, इधर वो सोता है। और मम्मी ने मेरे नया पैर पोछने के लिए जो ये रहता है ना फड़का, तो वो लाया था मेरे मम्मी ने, वो ना उसे जाके फाड़ रहा था, मतलब उसके ऊपर जो धागे है ना इसके सॉफ्ट एकदम, ये जो धागे है ना उसको ऐसे निकालने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने चार पांच दिन उसे फटके दिए, मारा थोड़ा, डांटा उसे कि यार ऐसा मैक्स ऐसा मत किया कर, तो वो नहीं करता, अभी आराम से एकदम उसके ऊपर जाके सोता है। तो यार दोस्तों मुझे ये बताना था कि पपी को संभालना है तो संभालो या फिर मत संभालो, पहले डिसीजन लो। वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने भी है ना ऐसा ही किया, उसने भी दूसरे दिन पपी लाया वहाँ से, दूसरा फीमेल, और उसने उसी दिन उधर वापस छोड़ दिया, उसके मामा को पसंद नहीं आया। तो ऐसा मत करो यार दोस्तों, गुस्सा आता है कभी कभार दोस्तों के ऊपर भी कि ऐसा मतलब पपी को संभालते फिर बाद में छोड़ देते, वो पपी क्या पता फ्यूचर में इतना मस्त डॉग बने कि बाद में वो सोच में पड़ जाए कि अगर मैंने इसे संभाला होता तो कितना अच्छा होता। जैसे मैंने मैक्स को संभाला है, क्योंकि मैक्स इतना इंटेलिजेंट डॉग है ना दोस्तों, उसको पॉटी आती ना तभी वो चिल्लाता है, वो घर पे करता ही नहीं पॉटिविटी, बस सुसु का उसका प्रॉब्लम है थोड़ा, वो सुसु करता है थोड़ा, बच्चा अभी तक समझ नहीं आता उसे, बाद में हो जाएगा वो ठीक सुसु करना। तो वीडियो को मैं दोस्तों स्टॉप करता हूँ, लंबी वीडियो हो गई तो आवाज़ बीच में बंद हो जाता है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, वही अपलोड करने वाला था अभी, पर वो जस्ट क्या हो गया कि वीडियो का आगे का साउंड ही म्यूट हो गया स्टोरेज फुल होने की वजह से। तो मैं दोस्तों अभी वीडियो को स्टॉप करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक